गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह के 4:41 हो रहे हैं और मैं उठ चुका हूँ। अभी यहाँ मेरा बैग पड़ा हुआ है और आज हम लोग जाने वाले हैं वेनसडेज राइड के लिए। ये वीडियो मैं थर्सडे को अपलोड करूँगा, बट आज है वेनसडे और हम लोग जाएंगे पहले मैं अपने घर से मेरे स्कूल जाऊँगा जो 3.7 अप्रॉक्स किलोमीटर है। उसके बाद वहाँ से मैं पहाड़ी मंदिर जाऊँगा जो 5.8 किलोमीटर है। उसके बाद मैं वापस घर आऊँगा। तो ये टोटल जो किलोमीटर से जोड़ के वो 12.2 हो रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट राइड होने वाला है 10 किलोमीटर से अबव का। सो चलिए जल्दी से चलते हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये पड़ा हमारा बैग, इसमें जल्दी सारी सामान भरते हैं, ट्राइपॉड ट्राइपॉड और अपना फ़ोन, और चलते हैं। 5:30 हो रहे हैं और यहाँ पर अभी तक मैं अपना दूध ही पी रहा हूँ, और क्योंकि मेरा ये मैं पहले भी पी के जा सकता था बट मुझे अंधेरे में डर लगता है। और अभी विंटर का है, सीज़न है, तो अभी 5:30 बज रहे हैं एग्जैक्ट, बट तब भी अभी तक रोशनी नहीं हुई है, अभी अंधेरा ही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 6:00 में चलते हैं या अभी निकल जाए, उतना भी डर नहीं लग रहा। और अभी दूध से पहले मैंने 2 बनाना खा लिए कि मुझे डिहाइड्रेशन नहीं हो, और एक पानी का बॉटल रख दिया जो 1 लीटर का है। तो अभी बाहर निकलते हैं तो मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से और अब हम लोग जा रहे हैं अपना स्कूल। गूगल मैप्स में रास्ता दिखा रहा है, अब रास्ता देख के हम लोग निकलते हैं यहाँ से। वैसे हमको आधा रास्ता पता है तो मैं अपना अभी कुछ करने वाला नहीं हूँ। मैं बेसिकली अपने ये जो स्टैंड मैंने अपने टी शर्ट के अंदर डाल दिया है उसे बाहर निकाल लेता हूँ, एंड अब थोड़ा स्पीड चलूँगा। तो अभी मैं वीडियो कट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो आगे देख लो मंदिर है। अभी यहाँ से पहले हम लोग स्कूल जाएंगे अपने, वहाँ से पहाड़ी मंदिर। तो अभी स्कूल के लिए हम थोड़ा सा आगे जब जाते हैं तो मिलते हैं आपसे 1 किलोमीटर के बाद। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अंदर स्कूल। ये रहा, सो गाइज वी आर फाइनली, दिस इज माय स्कूल। अंदर वाले तो टेक नहीं ले सकते, रुको चलते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल पहुंच चुके हैं, मैं आपको इसका एंट्रेंस गेट दिखा देता हूँ एक बार। हे गाइज फाइनली वी रीच दिल्ली पब्लिक स्कूल शेल टाउनशिप रांची। ये मेरा स्कूल है और वहाँ पर उसके एंट्रेंस है, देखो उतना दूर। तो अब चलते हैं यहाँ से पहाड़ी मंदिर। और मैं बीच का शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ट्रैफिक था, तो उस टाइम मुझे आराम से साइकिल चलाना था तो बहुत ट्रैफिक था तो मैं चला नहीं पाया। अब चलते हैं जल्दी से हम लोग पहाड़ी मंदिर की तरफ, इसमें मैं सेट कर लेता हूँ। तो अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ बाईपास रोड। मेरी स्पीड देखिए बहुत, मतलब धीरे भी नहीं है पर ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं शूट कर पा रहा क्योंकि यहाँ ट्रैफिक हो रहा है कभी कभी। फाइनली गाइज हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से अब और 7 मिनट का रास्ता, 3.8 किलोमीटर्स। अभी 3.8 किलोमीटर्स और जाना है। तो मेरा तो हालत ख़राब हो गया भाई क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है मेरा 12 किलोमीटर्स का। अब देखते हैं, पहुँचते हैं जल्दी से यहाँ से। अभी सीधा जाने बता रहा गूगल मैप्स में, अभी सीधा जाते हैं और मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ वीडियो क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। आगे वापस चढ़ाने आ रहे, मेरा हालत ख़राब हो चुका है, वापस चढ़ाने आगे। ट्रैफिक के वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, मैं अभी जा रहा हूँ सदनन चौक, आगे है। अभी यहाँ से हमें और 5 मिनट लगेगा, 2.4 किलोमीटर है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। वैसे अभी
मैं बहुत थक गया था तो पानी पी रहा था, रेस्ट कर रहा था, तभी मुझे याद है मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ, तब मैंने कैमरा निकाला, मैं बहुत देर से भूल गया था इसलिए सॉरी गाइज। चलिए चलते हैं, अभी घर जाके एडिटिंग भी करनी होगी, तो बहुत मेहनत का कलाम है व्लॉगिंग, सो इसलिए मैं मुझे सुबह ही निकलना चाहिए था। अभी मुझे बहुत स्वेटिंग हुई थी तो मैंने अपना ये चेंज कर लिया, ये जैकेट, ये वाला मैंने बैग में रखा था, ये थोड़ा लाइट जैकेट है और उसमें बहुत स्वेटिंग हुई थी और वो पूरा पसीना से भर चुका था इसलिए, क्योंकि बहुत सारे चढ़ान थे रास्ते में, ठीक है, इसलिए। अभी हम लोग सदना चौक पहुँच चुके हैं, बस सामने है, अभी बस थोड़ा सा दूरी और। अभी लेफ्ट जाना है तो अभी एक सेकंड में रुक जा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, वापस से थक गया हूँ मैं। सो गाइज अभी बस हम लोग 3 मिनट का रास्ता, 1 किलोमीटर बाकी बस। चलते हैं जल्दी से, मैं आपको थोड़ा सा व्यू अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि आप देख सकते हो सामने इतना ट्रैफिक है, तो एक हाथ से साइकिल चलाना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, सो मैं डायरेक्ट पहुँचता हूँ तो अब आपको दिखाता हूँ। गाइज फाइनली 100 मीटर पे अब बस पहाड़ी मंदिर है एंड मैं उतर के जा रहा यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ा चढ़ाना है और मुझसे नहीं चढ़ रहा था और बहुत हिल रहा होगा कैमरा क्योंकि बहुत लंबा चढ़ाना है और बहुत सारे पत्थर हैं। सो गाइस तो मैं डायरेक्ट अंदर का व्यू दिखाऊंगा आपको। मैंने अभी अपने शूज़ और साइकिल यहाँ पर खड़ा कर दिया, कोना मैं की चोरी ना हो क्योंकि मैं लॉक नहीं करता हूँ साइकिल का, चलते हैं अंदर। ये रहा एंट्रेंस एंड लेट्स गो। अभी ये 484 सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हैं पूरी, यहाँ से नंबरिंग है, फोर्थ सीढ़ियाँ, वहाँ से फर्स्ट थी, ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स है। अभी और चलेंगे तो मैं जब थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ लूँगा अप्रॉक्सीमेटली 100 तो मैं आपको दिखाऊंगा। गाइस जब मैंने 134 सीढ़ियाँ चढ़ ली थी उसके बाद मुझे याद है मुझे ये भी लेना था तो मैंने ये ले लिया है अभी, और अब और ऊपर चलते हैं। अभी 138 सीढ़ियाँ ही हुई है, यहाँ पर इसका एक और मंदिर है और यहाँ से और ऊपर जाना है, बहुत ऊपर है अभी तो चलते हैं। देख सकते हैं मैंने 237 सीढ़ियाँ मतलब लगभग चढ़ी ली, लो चढ़ गई। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलता हूँ कि 300 मैं जब 400 हो जाएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अभी पहुँच चुका हूँ रूफ टॉप पे एंड अभी ये चढ़ाते हैं और निकलते हैं ऐसे जल्दी से। मैं चढ़ाता हूँ और फिर निकलता हूँ, मैं आपको दिखाने से बहुत भीड़ है इधर। अभी उतर रहा था एंड 87 सीढ़ी अभी बस वहाँ नीचे ख़त्म है, तो मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ आपको भी पता है। तो आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।